सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एडिटिंग, EDITING, ये जो 7 लेटर वाला वर्ड है, सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि वाओ, करने में बड़ा मजा आएगा। तो जब मैं 17 साल का था, तब मेरे भी दिमाग में यही था कि यार मैं बड़ा होकर एडिटर बनूंगा, बिकॉज बैक इन द डे मैं बहुत सारे मैशअप वीडियोज देखा करता, गाने सुना करता। मुझे लगता है ये तो बहुत मजेदार काम है यार, ये करने में बड़ा मजा आएगा। एंड लकीली मेरा करियर उसमें ही शुरू हो गया, बिकॉज मेरे डैड भी इसी लाइन में है। तो उन्होंने मेरे को एक मेरा क्लाइंट ला के दिया, मेरा पहला क्लाइंट, गेव मी अराउंड 1000 रुपीज और समथिंग, एंड ही टोल्ड मी मैंने छोटा सा वीडियो ये तेरे को एडिट करना पड़ेगा। और वो वीडियो एक्चुअली छोटा नहीं था, वो उसके लिए छोटा था, बट मी बीइंग 17 इयर्स ओल्ड, मुझे वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो लगा था। लेकिन थैंक्स टू माय VFX कोर्स जो मैंने 2017 में ही किया था, कि मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग यहां वहां आ जाती, और जो नहीं आती वो थैंक्स टू YouTube जो मैंने सीख ली थी उसके बाद। तो जब जिंदगी में पहली बार मैंने प्रीमियर प्रो नामक इस सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू किया और उस पे सारे फुटेजेस डाल के एडिट करना शुरू किया, दैट वाज द टाइम जब मुझे एक चीज तो समझ गई दैट आई कैन नेवर बी अ प्रो एडिटर। हां, ये बहुत ऐसा सुनने में अजीब लग रहा है ना, बिकॉज आज के टाइम पे आई हैव ऑलमोस्ट एडिटेड मोर देन 300-400 वीडियोस, बहुत सारे मैंने फोटोज एडिट किए, बहुत सारे मूवीज भी एडिट मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे जो मेरे शॉर्ट फिल्म्स होते हैं वो सब किया हुआ है। लेकिन स्टिल डू आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ प्रो एडिटर? इसका आंसर है येस एज वेल एज नो। सो बिफोर आई गेट डीप इन टू दिस, मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एडिटिंग को डिफाइन कैसे करोगे? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एडिटिंग इज बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी थ्रू अ वीडियो, बिकॉज एडिटिंग इज नॉट लिमिटेड टू अ सॉफ्टवेयर, बट इट इज अ ह्यूज टॉपिक। 17 साल की उम्र में मैंने पहली बार एडिटिंग करना शुरू किया, तब मेरे दिमाग में तो एक ही चीज थी कि यार मुझे ना प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, जितने भी सॉफ्टवेयर है, इन सबके जो टूल्स है वो एकदम रट्टा मार के रखने, की मुझे मुंह पे पता हो कि भाई ये कौन सा टूल है। और वही मैं करने लगा, बिकॉज मेरे जो मैंने जो कोर्स किया था VFX का, वहां मुझे यही सिखाया गया था कि तुम्हें सिर्फ टूल्स लर्न करने हैं। लेकिन जब एक्चुअली मेरे फ्रीलांस के थोड़े बहुत क्लाइंट्स बढ़ने लगे, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार अगर मैं ऐसे ही चलते रहा तो मैं कभी भी एक प्रो एडिटर नहीं बन पाऊंगा। एंड फिर मैंने ऑलमोस्ट एडिटिंग पे गिव अप ही कर दिया था। कि फिर एक टाइम आया मेरी लाइफ में जब मैंने एक फिल्म बनाई, मैरिज एनिवर्सरी, ये फिल्म अभी भी मेरे सेकंड चैनल पे है और बहुत अच्छी अभी तक चल रही है, अभी भी लोग देख रहे हैं इसको। एंड इस फिल्म के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्स करता हूँ, बिकॉज दिस इज टिल डेट प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट आई हैव एवर मेड, और इसके अंदर एक्टर मैं हूँ और इसका एडिटर भी मैं हूँ। तो जब इस फिल्म को मैं एडिट कर रहा था, दिस वॉज माई फर्स्ट फिल्म जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म एडिट किया, जिसके अंदर प्रॉपर सब कुछ A to Z एडिटिंग पूरा मैंने किया, जहाँ पे मैंने साउंड को सही किया, जहाँ पे मैंने लाइटिंग प्रॉपर की, जहाँ पे मैंने कलर ग्रेडिंग किया, जहाँ पे बहुत कुछ मैंने पूरे फिल्म के अंदर किया, और इसको एक पूरा स्टोरी बनाया मैंने। तो जब मैं इसको एडिट करने बैठा था, मैं बहुत ज्यादा ऐसा खुश हो गया था कि हाँ भाई, हमने बहुत कुछ शूट कर लिया, अब एकदम मस्त एडिट हो जाएगा, और मेरे को टूल्स भी सारे पता थे, तो मुझे लगा यार फटाफट एडिट हो जाएगा, फिल्म एकदम मस्त बन जाएगी। लेकिन दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड वन थिंग, कि मैंने पूरा फिल्म एडिट कर लिया, लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म को देख नहीं पा रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं आफ्टर द 4th और 5th मिनट। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई एम नॉट अ क्रिएटिव एडिटर, बट आई एम अ टूल बेस्ड एडिटर, जहां पे मैंने सिर्फ टूल्स के बारे में सीखा है। एंड दिस इज द मेन रीजन दैट यू कैन नेवर बी अ प्रो एडिटर, क्योंकि अगर आप सिर्फ टूल्स के बारे में सीखोगे ना, आप कभी भी एक प्रो एडिटर नहीं बन पाओगे। सो नाउ कमिंग बैक टू माय फिल्म्स, उस फिल्म में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जब हमने शूट किया था, उसके बारे में हमने नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने एडिट किया तो छोटी छोटी डिटेल्स है जो मैंने उस एडिट के अंदर डाली है, जिसके थ्रू पता चले कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, बिकॉज हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि एडिटिंग मतलब आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा A to Z। सी, आई एम नॉट सेइंग सॉफ्टवेयर सीखना गलत है, सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छे से आना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप क्रिएटिवली ना सोच पाओ ना, तो आई डोंट थिंक सो आप अपने लाइफ में कभी भी एक प्रो एडिटर बनोगे। बिकॉज कभी भी फुटेज को देखकर एडिटिंग मत करो, लेकिन एडिटिंग को देख के फुटेज को लेना शुरू करो। क्रिएटिव एडिटिंग ऐसा नहीं कि आपने बोला आज से मैं क्रिएटिव एडिटर बनूंगा और कल आप क्रिएटिव एडिटर बन गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब मैंने भी इस फिल्म को एडिट किया था, तो एक शॉर्ट फिल्म कैसे एडिट करते वो जानने के लिए आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, एंड धीरे धीरे करते करते 1 महीने में मैंने उस पूरे फिल्म को एडिट किया और उसको रिलीज किया। एंड ट्रस्ट मी, आज तक लोग मुझे बोलते हैं कि अमन क्या फिल्म बनाई है तूने, मतलब मजा आ गया। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि हाउ टू बी अ क्रिएटिव एडिटर, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। कल ही मामाअर्थ ने मुझे अनियन हेयर स्टाइलिंग क्रीम भेजा है, बिकॉज आई पर्सनली लव माय हेयर, और मुझे बालों के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली व्हेन इट इज मामाअर्थ। एक तो इट इज एन इंडियन ब्रांड, एंड इसी के साथ साथ सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं मामाअर्थ के, दे आर टॉक्सिन फ्री एंड नेचुरल, तो आपके बालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। Whenever you order anything from Mamaearth, they will link your order to a tree that they plant, और उसका exact geolocation और species आपको बता दिया जाएगा। If you want to buy anything from Mamaearth, you can buy it from Amazon, Purple, Nykaa, and if you use my code Aman2022, तो आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। And do not forget to check out their iOS and Android application, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि अमन तूने ब्रांड इंटीग्रेशन तो कर लिया, लेकिन तूने एग्जाम्पल नहीं बताया जो तू बता रहा था। मैं बताता हूँ ना, देखो। We'll be right back.
अब मैं आप लोग को और एक एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली एक रील को एडिट किया था और उस रील को आप पहले देखो। तो ये जो दोनों बीरोल्स आपने देखे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अमन क्या मेहनत की है तूने, कितना ज्यादा एडिटिंग किया है, कितना ज्यादा कलर ग्रेडिंग किया है, और मतलब भाई तू तो प्रो एडिटर है। नाउ आई विल टेल यू ऑल द रियलिटी कि इसके अंदर है ना मैंने कोई हार्ड एडिटिंग नहीं किया। इट इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी बेसिक एडिट, बट मैंने इसमें बहुत क्रिएटिवली सोचा है। तो द फर्स्ट थिंग टू थिंक क्रिएटिवली इज ऑब्जर्वेशन। आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनना है अगर आपको क्रिएटिवली सोचना है। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कंटिन्यूसली रोड पे देखो और उसको ताड़ते रहो, नहीं मत, वो मत करना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ऑन डेली बेसिस दैट वी सी जो हम इग्नोर कर लेते हैं, तो उन चीजों को देखो, ऑब्जर्व करना चालू करो, अपने आप को उस सिचुएशन में डालो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू टू थिंक क्रिएटिवली इज कि मैं एक सीफेस का एक राउंड मार गया होगा और वहां पे मैं कुछ लोगों को देखूंगा जो शायद कोई लोग बात कर रहे हैं, शायद कोई कपल बैठा होगा, कभी शायद इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लेइंग समथिंग, एंड मैं हर एक सिचुएशन में अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ एंड देन आई थिंक कि अगर मुझे इसके ऊपर एक फिल्म बनानी है तो मैं इसको एडिट कैसे करूंगा। आई नो दिस साउंड्स वेरी वियर्ड कि अमन तू क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बट सच्ची बोल रहा हूँ, ट्राई करके देखो। अगर आप एक एडिटर हो और आपको क्रिएटिवली और ज्यादा सोचना है तो बाहर निकलो, जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू, लुक एट पीपल एंड अंडरस्टैंड दे आर इमोशंस। सेकेंड थिंग टू थिंक क्रिएटिवली इज वॉच मूवीज, मूवीज, मूवीज एंड मूवीज। अब वो चाहे शॉर्ट फिल्म हो सकती है, लॉन्ग फीचर फिल्म हो सकती है। मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ है जब मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था 3 AM। इट इज बेसिकली अ हॉरर फिल्म, लेकिन वहां से ना मुझे कलर ग्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। ये फिल्म बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, हार्डली किसी को पता है, बट जिनको पता है दे माइट नो कि उसके अंदर का जो सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग किया गया ना, बहुत ज्यादा अच्छा किया। मुझे बकरा बना रहे, क्या करूं यार, रुको। तो लास्ट में बस एक ही लाइन बोलूंगा दैट एडिटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, एडिटिंग इज नॉट ईजी, एडिटिंग इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिवली सोचना शुरू करो, आपके एडिट्स देखो कितने ज्यादा अच्छे बनेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स, शुक्रिया।